प्यारे दोस्तों, हमारे नए नए प्रोग्राम्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल का बटन जरूर दबाएं। एक बार फिर से सबों को जय यीशु। आज हम फिर से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उस प्रभु की स्तुति करने के लिए। वो परमेश्वर, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, उसकी स्तुति करना हम सबों के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम उसकी स्तुति करते हैं तो वो प्रभु स्वयं हमारे बीच में निवास करता है। हम वचन में पढ़ते हैं, प्रभु के सेवकों स्तुति गान करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो, सूर्योदय से सूर्यास्त तक प्रभु के नाम की स्तुति करो। जिस प्रकार श्रोताकार कहता है, प्रभु के सेवकों स्तुति गान करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो, सूर्योदय से सूर्यास्त तक प्रभु के नाम की स्तुति करो। हम सबों को उस प्रभु की स्तुति करने की ज़रूरत है। जब हम उस प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की उपस्थिति हम में बन जाती है। हम सुबह से लेकर शाम तक उस प्रभु की उपस्थिति अनेक तरीक़ों से कर सकते हैं। हम कई बार प्रभु की महिमा करते हुए उसके नाम को दोहरा सकते हैं, उसके द्वारा हम प्रभु की स्तुति करते हैं। कई बार प्रभु के गीतों के द्वारा हम प्रभु की स्तुति करते हैं, कई बार हम प्रभु के वचनों को दोहराते हुए उसकी स्तुति करते हैं। तो बड़े भक्ति के साथ हम सब एक गीत गाते हुए उस प्रभु की स्तुति करेंगे, जो हम सबों को प्रभु के साथ आनंद में, प्रभु के आत्मा में हमें ले जाता है। उस गीत को गाते हुए हम उस प्रभु की स्तुति करेंगे, बड़े भक्ति से ताली बजाएंगे और उस प्रभु का एक सुंदर गीत गाएंगे। उस प्रभु की स्तुति करते हुए, अपने मुंह को खोलते हुए उस प्रभु की, उस राजाओं के राजा की हम स्तुति करेंगे। बड़े भक्ति से हम सभी ताली बजाएं। वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, उसकी स्तुति करना, उसकी आराधना करना हम सबों के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम उसकी स्तुति करेंगे, हमारे जीवन में प्रभु स्वयं आकर निवास करेगा। बड़े भक्ति के साथ हम प्रभु की स्तुति करें। आनंद के साथ जे तू जाना यीशु दे कोड़वे मुखो हाले लुया दा नारा बोलवे। जे तू जाना यीशु दे कोड़वे मुखो हाले लुया दा नारा बोलवे। जे तू जाना यीशु दे कोड़वे मुखो हाले लुया दा नारा बोलोए। जे तू जाना यीशु दे कोड़वे मुखो हाले लुया दा नारा। अपने मुँह को खोलते फिर से। जे तू जाना यीशु दे कोड़वे मुखो हाले लुया दा नारा बोलोए। तू जाना यीशु दे कोड़वे जे तू जाना यीशु दे कोलवे मुखो हाले लुया दा नारा बोलवे। तू जाना यीशु दे कोलवे मुखो हाले लुया दा नारा बोलवे। आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करें। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमारे बीच में जरूर आएंगे। बड़े भक्ति से स्तुति करते हुए ताली बजाएं।
बस यीशु दे वल ही तू तकना, बस यीशु दे वल ही तू तकना, बस यीशु दे वल ही तू तकना, बस यीशु दे वल ही तू तकना। पैना रब ते यकीन तेनू रखना, पैना रब ते यकीन तेनू रखना, तेरा ईश्वर ना होवे ओ तेरा ईश्वर ना होवे कोई होर ओए, मुँह तो हालेलुया दा नारा बोल ओए, ओ जे तू जाना यीशु दे कोल ओए, मुँह तो हालेलुया दा नारा बोल। बड़े भक्ति से बोलते हुए, जे तू जाना यीशु दे कोल ओए, मुँह तो हालेलुया दा नारा बोल। सर से गाइए, जे तू जाना यीशु दे कोल ओए, मुख हाले लुया दा नारा बोल ओए, जे तू जाना यीशु दे कोल ओए, मुख हाले लुया दा नारा बोल ओए। सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपालों को शांति मिले। जी हाँ प्रभु, हम जब तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, उस वक्त हम तेरे प्रेम में, तेरी शांति में, तेरे आनंद में भर जाते हैं। प्रभु जी, हम सबों को तेरी ज़रूरत है, हमें तेरे प्रेम से भरिए, तेरी स्तुति करने के लिए हमें सामर्थ्य प्रदान कीजिए। बने दुख सुख जिंदगी चोणगे, 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 तेरे अपने पराए हो जाणगे, तेरे अपने पराए हो जाणगे। किते जावी ना ओ किते जावी ना, बंदे ओदों टोल ओए, मुखो हाले लुया दा नारा बोल ओए, जे तू जाना यीशु दे कोल ओए, मुखो हाले लुया दा नारा बोल ओए, जे तू जाना यीशु दे कोल ओए, मुखो हाले लुया दा नारा बोल ओए। बोलिए, जे तू जाना यीशु दे कोल ओए, मुखो हालेलुया दा नारा बोल ओए, जे तू जाना यीशु दे कोल ओए, मुखो हालेलुया दा नारा बोल ओए, तू जाना यीशु दे कोल ओए, मुखो हालेलुया दा नारा बोल ओए। हालेलुया 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 हालेलुया। उस प्रभु की हम स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम सब से जो बहुत प्यार करता है, उस प्रभु के सामने हम अपने आप को लाएं और उससे कहें, प्रभु हम सबको तेरे योग्य बना। जब हम इस संसार में जाते हैं, देखते हैं अनेक जगह पर अनेक प्रकार की बातें होती हैं, लोग अपने परिवारों से दुखी हैं, अपने रिश्तेदारों से दुखी हैं, अपने कर्ज की समस्याओं से दुखी हैं, लेकिन मेरे भाइयों बहनों, आपकी उस दुख के सामने प्रभु की स्तुति बहुत बड़ी है। आपकी बीमारी छोटी है, आपका कर्ज छोटा है, लेकिन वो प्रभु बहुत बड़ा है। उस प्रभु को सदा याद रखें, उसकी स्तुति करें। आइए हम कुछ क्षण अपनी आंखों को बंद करें, बड़े भक्ति के साथ उस प्रभु से कहें, प्रभु जी हम सबों को तेरी स्तुति करने की, तेरी महिमा करने की, तेरी आराधना करने की हमें सामर्थ्य प्रदान कर। हे प्रभु जी, जब हम तेरी स्तुति करते हैं, अनेक प्रकार के ख्याल
अनेक प्रकार की बातें हमारे दिमाग में आती हैं, उस वक्त हम भूल जाते हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग के अंदर 50 बातें, अनेक प्रकार की बातें ऐसी आती हैं, उस वक्त हम उसमें पड़ जाते हैं, चिंता करने लगते हैं, भूल जाते हैं अपने प्रभु परमेश्वर को। लेकिन आज हे प्रभु यीशु, हम तेरे सामने आए हैं अपनी प्रार्थनाओं को लेकर। हम सबों को प्रभु अपना अभिषेक दीजिए, तेरी आत्मा से हमें भरिए। जब वो पवित्र आत्मा हम सबों को अपनी आशीष प्रदान करेगा, हम सबों के जीवन में अपनी कृपाओं से, अपनी आशीषों से वो हमें भरेगा, विश्वास कीजिए हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, हमारे कर्ज दूर हो जाएंगे, हमारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, हमारे रिश्तेदार के साथ जो हमारी बनती नहीं थी, आज से उस प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा हम सब प्रेम से रहने लगेंगे उस प्रभु के सामने। बड़े भक्ति के से हम कहें, हे प्रभु यीशु, बोलिए हे प्रभु यीशु, हम सबों को तेरी जरूरत है, हम सबों को तेरे प्रेम की जरूरत है, तेरे प्रेम की जरूरत है, प्रेम ईश्वर के पिता, हमें तेरी जरूरत है। हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हम बड़े भक्ति से अपनी आंखों को बंद रखें, उस प्रभु से कहें, प्रभु मुझे तेरी ज़रूरत है, मेरे परिवार में तेरी ज़रूरत है, मेरे बच्चों में तेरी ज़रूरत है, हर एक कार्य में उस प्रभु को हम याद करें। यदि आज आपके जीवन में आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, आप बीमार हैं, उस प्रभु से कहें, प्रभु मुझे तेरी ज़रूरत है, तेरे प्रेम की ज़रूरत है, तेरी ज्योति की ज़रूरत है, आज हम तुझे पुकारते हैं। प्रभु अपनी आंखों को बंद करें, विश्वास के साथ विश्वास करें, वो प्रभु आज आपकी सभी प्रार्थनाओं को सुनेगा। विश्वास करें, आज वो प्रभु आपके परिवार से वो बीमारी दूर करेगा, जिस बीमारी के कारण आप प्रभु के सामने रो रो कर प्रार्थना किया करते थे, आज वो समय आ गया है आपके आंसुओं को पोंछने के लिए। वो प्रभु स्वयं आज आपको इस प्रार्थना के माध्यम से आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। विश्वास करें और उस प्रभु से कहें, प्रभु हमें तेरी ज़रूरत है, हमें तेरी ज़रूरत है, हम सबों को तेरे प्रेम की ज़रूरत है, तेरे प्यार की ज़रूरत है, तेरी ज़रूरत है। हम कई बार प्रार्थना करते हैं, हमारा मन उसमें नहीं लगता है, हम टूट जाते हैं, उदास हो जाते हैं। आज उस प्रभु से कहें, प्रभु जी मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, मेरा मन तुझसे प्रार्थना में लगे, जब तेरे पास बैठूँ, तेरे वचनों को पढ़ने का मेरा दिल करे, तुझसे प्रार्थना करने का, तुझे धन्यवाद देने का मेरा दिल करे। प्रभु जी हमें तेरी ज़रूरत है, हमें तेरी जरूरत है। प्रार्थना में मन ना लागे, तू आए ना तो वचन में भी समझ ना आए, तू सिखाए ना तो व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। जी हाँ प्रभु, जब तू नहीं रहता है, जब हम प्रार्थना करते हैं, उस वक्त तेरी उपस्थिति जब हमें महसूस नहीं होती है, उस वक्त बहुत से ख्याल हमारे दिमाग में आते हैं, बहुत सी चिंताएं हमें घेर लेती हैं,
अनेक प्रकार की बातों को सोचकर हम परेशान हो जाते हैं। प्रभु आज हमें बताइए, अपने प्रेम को हमारे पर प्रकट कीजिए, हमारे जीवन में प्रकट कीजिए, हमारी आत्मा में प्रकट कीजिए। हम जहाँ जाते हैं प्रभु आज आप हमारे साथ चलिए, हमें तेरी ज़रूरत है, तेरी ज़रूरत है प्रभु। जब हम प्रार्थना करें उस समय हम उस प्रार्थना में मन लगाकर तुझसे प्रार्थना करें। हम जब वचनों को पढ़ते हैं उसे याद रखने की शक्ति हमें प्रदान कर। हे प्रभु हमें तेरी ज़रूरत है। प्रार्थना में मन ना लागे, तू आए ना तो वचन में भी समझ ना आए, तू सिखाए ना तो व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो कहिए व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। फिर से कहिए व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। बड़े भक्ति से उस प्रभु को अपने जीवन में बुलाएं, अपने परिवार में बुलाएं। हम सबों को उस प्रभु की ज़रूरत है। कहें प्रभु जी मुझे तेरी ज़रूरत है, तेरे प्रेम की ज़रूरत है, तेरी आत्मा की ज़रूरत है। प्रभु हम तुझे बुलाते हैं, आ जाइए प्रभु, आ जाइए प्रभु, आ जाइए। मेरे जीवन मैं तेरी यीशु ज़रूरत है, कहिए मेरे जीवन मैं तेरी यीशु ज़रूरत है, ओ मेरे जीवन मैं तेरी यीशु ज़रूरत है, मेरे जीवन में तेरी यीशु ज़रूरत है, तेरे बिना मैं कैसे जीऊँ, कैसे जीऊँ तेरे बिन, तेरे बिना मैं कैसे जीऊँ, कैसे जीऊँ तेरे बिन, पाप पर मैं कैसे जीतूँ, मुख देखे तेरे बिन, पाप पर मैं कैसे जीतूँ, मुख देखे तेरे बिन, प्रार्थना में मन ना लागे, तू आए ना तो, कहिए प्रार्थना में मन ना लागे, तू आए ना तो वचन में भी समझ ना आए, तू सिखाए ना तो वचन में भी समझ ना, तू सिखाए ना तो व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो।
जाए दूर ही ना दो मेरे जीवन में प्रभु मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है गाइए मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है बड़े व्यक्ति के साथ सभी कहिए मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है फिर से कहिए मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है फिर से कहिए पुकारते हुए मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है कहिए मेरे जीवन मेरे जीवन मेरे यीशु जरूरत है विश्वास कीजिए वो प्रभु आपको सुन रहा है इस क्षण आप उस प्रभु से अपनी अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने रखें प्रभु को सब कुछ समर्पित कर दें अपनी बीमारियों को भूल जाएं अपने कष्टों को भूल जाएं आज वो प्रभु आपके सामने आपके सभी अपराधों को क्षमा करते हुए आपकी बीमारियों को दूर करते हुए आपको चंगाई प्रदान कर रहा है विश्वास करें वो प्रभु जो आपको सदा बुलाता है आज उस प्रभु को अपने जीवन में आप अनुभव करें अपनी आत्मा में अनुभव करें अपने परिवार में अनुभव करें मेरे प्रिय भाइयों बहनों जब आप उस प्रभु के सामने प्रार्थना में बैठते हैं सब कुछ प्रभु को समर्पित करें विश्वास के साथ उस प्रभु से कहें प्रभु हमें तेरी जरूरत है जब वो प्रभु आएगा हमारी हर एक जरूरतें पूरी हो जाएंगी हमारे कर्ज दूर हो जाएंगे हमारी बीमारियां दूर हो जाएंगी और उस घर में उस परिवार में आनंद आएगा खुशियां आएंगी विश्वास करें उस प्रभु के सामने हम अपने सभी प्रार्थनाओं को रखें परम पावन परमेश्वर हम सभी भाई बहनों के लिए समर्पित करते हैं जितने भी भाई बहन आपको सुन रहे हैं आपको देख रहे हैं आपका अनुभव कर रहे हैं उन सबको आप इसी वक्त उनका स्पर्श कीजिए उनको छूकर उनकी बीमारियों को दूर कीजिए प्रभु जितने भी भाई बहन आपको सुन रहे हैं आपको देख रहे हैं आप में विश्वास करते हुए वो सब जो प्रार्थना कर रहे हैं आज आप उन सबों को अपना आशीष भरा हाथ उनके सिर पर रख दीजिए प्रभु जी उन सभी भाई बहनों के जीवन में आज आपकी हर एक जरूरत उनके जीवन में पूरी हो जाए प्रभु जी सब कुछ समर्पित करते हैं प्रभु जी आप उन सभी भाई बहनों पर अपनी दया बरसाइए अपना प्रेम बरसाइए अपने प्रेम से उन सबों को भर दीजिए हम सभी उस प्रभु को धन्यवाद दें उसकी स्तुति करें उसकी आराधना करें वो महान परमेश्वर जो हमारी सभी प्रार्थनाओं को सुनता है उस राजाओं के राजा प्रभुओं की प्रभु की स्तुति करने के लिए हम बड़े भक्ति के साथ उस प्रभु से प्रार्थना करें आज हमने जो स्तुति की है उसके माध्यम से प्रभु आज हमारे परिवारों को जितने भी लोग हम सुन रहे हैं हम सबों को आशीष देंगे विश्वास करें वो प्रभु आज आपको जरूर स्पर्श करेंगे आने वाले दिनों में प्रभु आपको महान और ऊंचा उठाएंगे आपके जीवन में जो कमियां हैं आप उनको अपने जीवन से दूर होता हुआ देखेंगे
विश्वास करें और उस प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद देते हुए उस प्रभु की, राजाओं के राजा की स्तुति करते हुए हम उस प्रभु की महिमा करें, उसकी आराधना करें, उस परमेश्वर से कहें, प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, हमारी ज़रूरतों को सुना है। हम उस प्रभु को धन्यवाद दें और मेरे पीछे बड़े भक्ति से उस प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम सब कहेंगे। बड़े भक्ति से उस प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम सब उस प्रभु से कहें, प्रभु तुझे धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी, कहिए तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद। बड़े विश्वास के साथ प्रभु से कहें, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी, तेरी आराधना, तेरी आराधना प्रभु जी, तेरी आराधना, तेरी आराधना प्रभु जी, कहिए तेरी आराधना, तेरी आराधना प्रभु जी, तेरी आराधना, तेरी आराधना प्रभु जी। आइए हम विश्वास से, हमने जो प्रभु के सामने आज के दिन स्तुति में भाग लिया है, बड़े भक्ति के साथ उस प्रभु से हम आज उस प्रभु का धन्यवाद देते हुए उसकी स्तुति में जो हमने भाग लिया उस प्रभु को हम कहें, हे प्रभु हम बड़े भक्ति से तेरे पास सदा तुझे पुकार सकें, गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा, तेरी प्रार्थना के द्वारा हम सदा तुझे अपने जीवन में महसूस करें। बड़े भक्ति के साथ हम इस स्तुति को यह समाप्त करते हैं और प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु हमारे सभी अपराधों को क्षमा कीजिए, हमें परीक्षा में न डालिए, और उस प्रभु से वही प्रार्थना बोलें जो प्रभु ने हमें सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप प्रभु में सदा और सदा आनंदित रहें, प्रभु में सदा प्रसन्न होते हुए अपने जीवन को जिए, वो प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। सभी को जय यीशु मसीह।